नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में सागन क्षेत्र के छताई कला गांव में खेत की सुरक्षा के लिए तार लगाकर उसमें करंट प्रवाहित किया गया था, जिसकी चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई और एक अन्य बालक बुरी तरह से झुलस गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि छताई कला गांव में विक्रम करीब 11-12 वर्ष का छात्र था, जो सुबह भोर में बगल के खेत में किसी काम से गया था। इस दौरान तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब शव देखा तो किसी तरीके से शोर मचाकर उसको बाहर निकाला। जब चिकित्सकों के यहाँ ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की। लड़का का नाम था विक्रम हो, वो 4 बजे निकला था घर से। यही हम लोग को खबर है जो जान रहे हैं। हम तो रिश्तेदार हैं लेकिन इतनी जानकारी है। खेत में भी हम गए थे, वहाँ भी देखे पूरा तार से जो है घेरा हुआ है और पूरा जाल बिछा हुआ है, जैसे तार का है, तार है तार नज़र आ रहा है। और दिन में जो है 2400 घंटा लाइन बता रहे हैं गांव वाले कि लाइट बराबर चलती रहती। क्या करंट से मौत हुई है बच्चे? हाँ, करंट से। उसके साथ कोई घायल भी है? हाँ, एक लड़का और भी है। किसकी खेत था वो करंट का? गाँव में ही है? हाँ, गाँव में है, बाकी यादव। अच्छा, लड़का का क्या उम्र रहा होगा? वो लड़का के उम्र 11-12 साल। किस गाँव के रहने वाले आप? हम तो ये गांव कौन सा गांव है जहाँ? ये छताई कला। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा रामलोक नाम। यानी पूरा करंट से मौत माना जाए? हाँ, पूरा करंट। इस तरह जो लापरवाही किया है, क्या क्या चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, पूरी फोर्स आई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो